बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। मैथ्स के बेसिक से हमने स्टार्ट लिया था, जिसको हम एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएंगे। उसी सिलसिले का आज तीसरा वीडियो है। अगर पिछले वीडियोस आपसे मिस हुए हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी वॉच कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस? लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? इन द लाइक फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर आर सेम। यहाँ पर देखें, यहाँ पर 4 है, ये डिनोमिनेटर है, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 4 है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन में इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ये देखें, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 है, तो इसको हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पर दिया गया है अनलाइक फ्रैक्शन, इसको हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि ये और ये दोनों एक जैसे नंबर बन जाए। इसके लिए हम एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आएगा 12/13। इसी तरह हम इस फ्रैक्शन को भी इसी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह बन जाएगा और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10/13। तो ये देखें, ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन गया। यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन में जो आएगा तो वो हमारा होल नंबर होगा, रिमाइंडर का वो नोमिनेटर होगा और डिवाइजर हमारे पास ये डिनोमिनेटर होगा, तो हमारे पास ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पिछले जो क्वेश्चन हुआ था तो उसकी हमने पड़ताल करनी है, तो इसके लिए हम होल नंबर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ जो नोमिनेटर है तो उसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 36/5। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐड फ्रैक्शन विद अनलाइक डिनोमिनेटर। यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन दिया गया है, इसकी हमने एडिशन करनी है, तो इसकी एडिशन किस तरह से करेंगे? यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है इसकी हम एलसीएम निकालेंगे, 4 और 6 की एलसीएम है 12, और इस तरह 3 अपनी जगह पर आ जाएगा। हम मल्टीप्लाई की साइन लगा लेंगे और इसके लिए 12 को हम 4 पर अगर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास 3 आएगा, प्लस 5 अपनी जगह आएगा और मल्टीप्लाई 12 को अगर हम 6 पर डिवाइड करें तो इससे हमारे पास 2 आएगा, तो यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे। 3 × 3 = 9 and 5 × 2 = 10, तो हमारे पास आंसर आएगा 19/12। क्वेश्चन नंबर 32 है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मिक्स फ्रैक्शन। टू मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं, इसकी हमने मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास इस तरह बन जाएगा और इसके बाद हमने नोमिनेटर को नोमिनेटर से ज़रब देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से ज़रब देना है, तो हमारे पास 55/6 बन जाएगा। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, डिवीजन ऑफ वन फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को हम दूसरे फ्रैक्शन पर डिवाइड किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, मतलब नोमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा और यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का सिंबल ऐड करेंगे, तो 7 14 के साथ कट हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 3 यहाँ पर कट जाएगा तो इसकी जगह 3 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3/2। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
इस वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।